नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। रेल मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1200 ट्रेन तैयार होने का किया दावा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों के मामले में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की सरकार पर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1200 ट्रेन तैयार खड़ी है, परंतु कई राज्य ऐसे हैं जो कम ट्रेनों की अनुमति दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार की तारीफ की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के रिजर्व कर दी गई है, जिसे रोज हम 300 ट्रेन शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां से बहुत कम के लिए परमिशन दी गई है। आपको बता दें, रेलवे ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए बंद के कारण देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों को ट्रेन से उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 1 मई से विशेष श्रमिक ट्रेन चलाना शुरू किया था, जिसे कि अब तक लाखों प्रवासी अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं रेलवे लगातार यात्रियों को पहुंचाने में लगा हुआ है। केंद्र सरकार अब कम किराए में देगी सस्ता घर। कमजोर तबके के लोगों और मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने अब शहरी गरीबों को कम किराए का घर देने का ऐलान जारी किया है। इसके लिए मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है। कोविड-19 के इस माहौल में हमने सबसे पहले गरीबों के खाते में पैसे पहुंचवाए हैं। बंद जरूर है, लेकिन सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है। वहीं बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर की रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 तक का कर्ज देने का भी ऐलान जारी किया है। वहीं मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले छोटे उद्योग कर्मियों के लिए भी जरूरी घोषणा करते हुए छोटे उद्योग कर्मियों को राहत देने की बात कही थी। 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4 को लेकर राज्य ने मोदी सरकार को दिए सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 को देखते हुए बंद को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके इस बारे में सुझाव मांगे थे। उसके बाद ही लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर किसी फैसले के लिए जाने की बात कही थी, जिसके तहत बीते दिन कई राज्यों ने केंद्र सरकार को बंद को लेकर अपने विचार भेजे हैं, जिसमें कई बातों पर ध्यान में रखकर छूट देने का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन 4 को लेकर सुझाव देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई समय सीमा का आज आखिरी दिन था। पीएम मोदी ने सभी राज्यों में बंद को बढ़ाने की तारीख को लेकर सुझाव मांगे थे, जिसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार के सरकार के पास सुझाव भेजे हैं, जिसके तहत लगभग सभी राज्यों ने 31 मई तक बंद को जारी रखने की बात की है। वहीं कुछ राज्यों ने दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की इजाजत देने का सुझाव दिया है। ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकान, कॉम्प्लेक्स, मॉल खोलने की मंजूरी देने की भी मांग की गई है। अमेरिका और चीन एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने। अमेरिका और चीन कोविड-19 के मामले पर काफी लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोविड-19 को चीन के एक प्रयोगशाला में बनाया गया है और यही कारण है कि यह पूरी दुनिया में इतनी बुरी तरीके से फैल गया और अब तक इसके इलाज को नहीं ढूंढा गया है। वहीं चीन इसके उलट यह कह रहा है कि कोविड-19 भले चीन के वुहान शहर से निकला हो, लेकिन यह किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया है, बल्कि यह प्राकृतिक है। जिसके बाद अब एक बार फिर से अमेरिका ने चीन को सख्त भाषा में समझाते हुए यह कहा है कि चीन के साथ आने वाले समय में हमारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा। अमेरिका ने चीन से बार बार कहा कि कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला जाने की इजाजत दे, लेकिन उसने नहीं माना। यही कारण है कि वह चीनी राष्ट्रपति से फिलहाल कोई बातचीत नहीं करना चाहते। हालांकि उनके जिनपिंग के साथ अच्छे रिश्ते थे, चीन ने उन्हें निराश किया है। बिल गेट्स ने की भारत की तारीफ। दुनिया भर में कोविड-19 के प्रभाव को लगातार बढ़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत की है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही बिल गेट्स ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है, बल्कि 120 से ज्यादा देशों की मदद करने के लिए भी धन्यवाद व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण दुनिया भर के लोगों के रहन सहन और व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों पर साझा अध्ययन और उसका विश्लेषण करने का सुझाव बिल गेट्स के सामने रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स को सुझाव दिया है कि वह गेट्स फाउंडेशन, जीवन शैली, आर्थिक संगठन, सामाजिक विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के प्रसार के आवश्यक परिवर्तनों का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। हमें मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा। भारत को अपने अनुभव के साथ गेट्स फाउंडेशन के संग मिलकर काम करने में प्रसन्नता होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और श्रमिकों के लिए आर्थिक पैकेज में कई ऐलान किए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा किए गए आर्थिक पैकेज के ऐलान का किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए यह कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज की खास तौर पर हमारे किसान, प्रवासी, श्रमिकों को लाभ होगा और वहीं घोषणाओं में की गई प्रगतिशील उपाय शामिल है और इनमें किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए खाद्य सुरक्षा क्रेडिट की मजबूती मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किश्त की घोषणा की है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे किसानों को लाभ होने की बात कही गई है, जिसमें ऋण ब्याज माफी और सस्ते घर जैसी सभी तरह के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हाउसिंग सेक्टर के लिए भी घोषणा की है। वित्त मंत्री आज करेंगे तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संबोधन के दौरान पूरे भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले तो छोटे उद्योग कर्मियों को राहत दी है, उसके बाद किसानों, मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के
के हित में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहीं खबरों की माने तो आज होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लैंड एंड लॉ जगत सुधार टेक्नोलॉजी आदि विषयों में सरकार क्या सुधार करने जा रही है इसकी जानकारी दे सकती है। राहत पैकेज से नकदी की समस्या दूर होगी, वहीं कपड़ा उद्योग को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए माहौल में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। वहीं उद्योग धंधों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिन राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिससे कि जानकारों की माने तो आने वाले समय में नकदी की समस्या दूर होगी, साथ ही मांग और आपूर्ति दोनों में सुधार होगा। खासतौर से कपड़ा उद्योग का फायदा होगा, क्योंकि नई परिभाषा के बाद इस उद्योग के 70% से अधिक कारखाने MSME के अंतर्गत आ गए हैं। वहीं सरकार ने अपनी तरफ से छोटे एवं सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री लोन मुहैया करवाने का ऐलान जारी किया है, जिससे कि 45,00,000 छोटे कारोबारियों को काफी ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष संजय जैन कहते हैं कि इससे निश्चित तौर पर बाजार में तरलता आएगी और भुगतान की स्थिति में सुधार होगा, और अगर भुगतान की स्थिति में सुधार होगा तो मांग में भी सुधार होगा। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। कोविड-19 की जारी माहौल के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। खबरों की माने तो वैदिक मंत्रों के साथ सुबह 4:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम का कपाट खोल दिया गया है। वहीं पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई। वहीं कोविड-19 के असर को देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, राजगुरु सहित केवल 11 लोग ही शामिल हो सके। वहीं कपाट खोलने के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। वहीं पुजारियों के माने तो कपाट खोलने की विधि रात 3 बजे से ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे सफलतापूर्वक कपाट को खोलने का काम किया गया। यूट्यूब पर 4 में से 1 वीडियो दे रहा है गलत जानकारी, उक्त बातें रिसर्च के बाद सामने आई है, जिसके तहत एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन जर्नल वेबसाइट BNG ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के आंकड़े सामने आए हैं। अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन जर्नल ने 21 मार्च को यह रिसर्च शुरू किया था, जहां पर YouTube पर कोविड-19 सर्च किया और टॉप 75 वीडियोस की पड़ताल की है। इसी तरह कोविड-19 सर्च किया और उस पर बने टॉप 75 वीडियोस की पड़ताल की, यानी कि रिसर्च में कुल मिलाकर 150 वीडियोस का इस्तेमाल किया गया। डुप्लीकेट वीडियो हटाकर और कुछ शर्तें लगाकर 69 वीडियोस को रिसर्च के लिए चुना गया। 27% वीडियो में काफी ज्यादा गलतियां पाई गई है। वीडियो को समझाया भी ठीक से नहीं गया है और ना ही कोई अपील की गई है। जारी किए गए वीडियो में सरकार की तरफ से जारी वीडियो भी थे, जिसकी जानकारी सही पाई गई। वहीं YouTube ने सफाई देते हुए यह कहा है कि सही सूचना देने की पूरी कोशिश की जाती है और गलत सूचना देने वाले वीडियोस को हटा दिया जाता है। यानी कि अब अगर आप YouTube माध्यम से कोई भी जानकारी ले रहे हैं तो सोच समझ कर ले, यह जानकारी आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है। कक्षा 9वीं और 11वीं क्लास में फेल हुए छात्रों को मिलेगा एक और मौका। कक्षा 9वीं और 11वीं क्लास में फेल हुए छात्रों को अब एक और मौका मिलने जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं की क्लास में फेल हुए छात्रों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है, जिसके तहत स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि जो 9वीं और 11वीं के छात्र फेल हुए हैं ऐसे सभी छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से दोबारा टेस्ट कराने का मौका दिया जाए। मंत्रालय की ओर से यह भी साफ कहा गया है कि ऐसे फेल हुए छात्रों का सुधारात्मक उपचार करते हुए रीटेस्ट की तैयारी की पर्याप्त समय भी दी जाए, जिसके बाद कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को एक और मौका मिले और अपनी गलती सुधार दी जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कक्षा 11वीं और 9वीं के फेल हुए छात्रों को दोबारा ऑनलाइन माध्यम से मौका देना आपके अनुसार कितना सही है कितना नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।